नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबरदार की खास पेशकश में पेश है महाराष्ट्र की सभी महत्वपूर्ण खबरें। औरंगाबाद में एक निजी टूर ऑपरेटर द्वारा उमरा के लिए सऊदी अरब मक्का मदीना जाने वाले 28 यात्रियों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक औरंगाबाद निवासी रफीक अब्दुल कयूम टूर उमरा पर ले जाने का काम करता है। इसके लिए रमजान ईद के दूसरे दिन रफीक ने 28 यात्रियों से 50,000 रुपये लिए थे। सभी 28 यात्रियों को रफीक मुंबई एयरपोर्ट ले तो गया, लेकिन उनको सदमा तब पहुंचा जब उन्हें पता चला कि उन्हें दिए गए टिकट नकली हैं। एयरपोर्ट पर ऑपरेटरों के साथी से पूछने पर उसने टिकट के लिए 10 लाख मांगे। यात्रियों ने वीजा पासपोर्ट के एवज में 1,60,000 रुपये दिए थे। बहरहाल उमरा जाने की ख्वाहिश लिए मुंबई गए यात्री को उल्टे पाँव औरंगाबाद लौटना पड़ा। 17 तारीख को यहाँ से लग्जरी में बिठाया और बम्बई ले जाके हमको छोड़ दिया और फिर हमारे साथ उतरा। उतरने के बाद में बोला कि भाई मेरे को अभी थोड़े बहुत पैसे तुम दे दो, तो हमने उसको 70,000 रुपये वहाँ जमा करके दे दिए। मैं पासपोर्ट वीज़ा टिकट लेकर आता, बोले तो हम उसका इंतज़ार करते करते हम रात को 8:30-9 बजे तक उसका इंतज़ार करें। जो हमारा फ्रेंड था वो चले गया, तो उसके बाद में फिर उन्होंने हमको 12 बजे तक हमारे साथ था, हो रहा बोला और फिर वहाँ से भाग गया। टिकट हमारे पास डुप्लीकेट दिया उन्हें। हमने वीज़ा वाले को वहाँ बुलाया एयरपोर्ट पे, उसने बोला ये सब टिकट नकली, बोले वीज़ा है तुम्हारे, पासपोर्ट मेरे पास है, तो बोले मेरे को 3 लाख अगर तुम देंगे तो मैं तुमको दे देता। बोले सऊदी जाने के लिए जैसे हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को वीज़ा कंपनी को देने के लिए 70,000 रुपये कम है, आप कुछ भी करो हमको 70,000 रुपये दो। फिर उनके भाई का भी वहाँ से फ़ोन आया था, जो रफीक मौलाना जो मदीने में, तुम उनको 70,000 रुपये दे दो। बोले आप जैसे यहाँ आएंगे मैं आपको वो पैसे मैं वापस दे दूँगा। तो ठीक है, हम बोले अभी उसको वो 70,000 रुपये दे दी। जैसे उसने 70,000 रुपये लिया, उसका भाई छोटा समीर 70,000 रुपये जैसा लिया उसने, वो बोला कि मैं बोले 2-3 घंटे में आपको वीज़ा पासपोर्ट और टिकट ला कर दे रहा हूँ। बोले आप हम बैठ गए वहाँ पे एयरपोर्ट, उसका भाई कुछ 6:30-6 बजे तक आया। औरंगाबाद के जिंक पुलिस थाने में टूर ऑपरेटर रफीक और दूसरे दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। औरंगाबाद से अशफाक शेख, खबरदार। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CMD समेत 6 गिरफ्तार। 2000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में पुणे पुलिस ने बुधवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CMD रविंद्र मराठे सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला पुणे के रियल एस्टेट डेवलपर DSK ग्रुप से जुड़ा है। मराठे और बैंक के अन्य अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर बिल्डर को 2000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का आरोप है। ये लोन तब दिया गया जब बैंक अधिकारियों को बिल्डर के दिवालिया होने की जानकारी थी। आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक के CMD रविंद्र मराठे, कार्यकारी निदेशक राजेंद्र गुप्ता, जोनल मैनेजर नित्यानंद देशपांडे और पूर्व CMD सुशील मोहनोत को गिरफ्तार किया है। इनके अलावा DSK ग्रुप के चार्टेड अकाउंटेंट सुनील घट पांडे और इंजीनियर डिपार्टमेंट के राजीव नेवासकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरदार की रिपोर्ट। बच्चा चोर समझकर 3 युवकों की पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान। सोशल मीडिया पर बच्चे को चुरा कर उनकी किडनी और दूसरे अंगों को बेचे जाने की अफवाह वायरल होने से पूरे राज्य की तरह भंडारा में भी लोग सहमे हुए हैं। वे अनजान शख्स को देखकर शक करने लगते हैं। ऐसी ही एक और घटना भंडारा जिले के गिरोला गांव में घटी है। यहां लोगों ने शक के आधार पर 3 युवकों की पिटाई कर दी। सही वक्त पर पहुंची पुलिस ने उनकी जान बचाई। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने गिरोला गांव आए थे। पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का निवेदन किया है। ये तीनों जो युवक हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके कुछ रिलेटिव्स नागपुर में रहते हैं। नागपुर में वो उनकी तरफ आए हुए थे। उसमें से एक युवक तो 10-15 साल से नागपुर में रहता है और उसके साथ में 2 युवक ऐसे हैं यहाँ पर। कुछ जो बरड़ी में जो सस्ती दामों में जो चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे ईयरफोन, हेडफोन, वॉकमन वगैरह, ऐसी चीज़ें लेकर गांव-गांव घूमकर वो बेचते हैं।
तो वही बेचने के सिलसिले में उस गांव में आए थे। गांव का रास्ता मालूम नहीं होने से वो गांव के सामने से न आते हुए पीछे की तरफ से आए और गाड़ी लगाकर अपना जो वाहन वहां पर लगाकर उसमें से जो उसको बेचने के हिसाब से अपनी तैयारी में थे, तो उतने में इन लोगों ने उनको पकड़कर मारपीट किया था। एक्चुअली इन लोगों ने पहले पुलिस पटेल से मिलना चाहिए था, मुझसे अपने बेटे नाम लिखवा देना चाहिए था, या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना था पहले कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और गांव गांव में हम जाने वाले हैं। लेकिन ऐसी कोई जानकारी न देते हुए लोकल एरिया का उनको कुछ मालूम न होने की वजह से और लोकल लैंग्वेज की जानकारी नहीं होने की वजह से और जो अफवाहें चल रही है अभी कि किडनी चोरों की टोली घूम रही है, छोटे बच्चों को उठाने वाली टोली घूम रही है, बस उसी अफवाहों के मद्देनजर नज़र रखते हुए लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग होकर लोगों ने इनको मारपीट किया है। मारपीट एक किरकोल तरह की मारपीट थी, लेकिन ये लोग भी डाउटफुली वहाँ घूमने की वजह से, पुलिस स्टेशन में उसकी जानकारी नहीं देने की वजह से, मुसाफिरदेश में नाम नहीं देने की वजह से इन लोगों के ऊपर भी हमने 109 से अरबिस्तर कार्रवाई किया है। भंडारा से अभिजीत घोर मारे, खबरदार। भिवंडी में निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार टूटने से एक मजदूर की मौत और दो घायल। भिवंडी के बंजारपट्टी नाका स्थित निर्माणाधीन बहारे मदीना मस्जिद में तीसरी मंजिल पर बांधी जा रही दीवार के अचानक गिर जाने से 40 वर्षीय संतोष मिश्री राव मुन्नावर नामक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई और लाल बिहारी जीत बहादुर सिंह व विष्णु प्रताप प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे निजामपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मृतक मजदूर संतोष मिश्री राव के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु IGM अस्पताल भेज दिया और घायल मजदूरों को उपचार हेतु एडमिट कराया गया है। निजामपुर पुलिस ने ठेकेदार नौशाद अब्दुल मुरीद को मजदूरों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के लिए आपराधिक अधिनियम 304 एवं 338 के तहत हिरासत में लिया है। भिवंडी से जितेंद्र तिवारी, खबरदार। 8 और 9 जून के हड़ताल में शामिल 1010 ST कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त। 8 और 9 जून को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बिना किसी पूर्व सूचना के राज्य भर के ST कर्मचारियों ने अघोषित हड़ताल कर दी थी। ST महामंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस मामले में 1010 ST कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ST महामंडल का कहना है कि 8 और 9 जून को हुए इस अघोषित हड़ताल की वजह से आर्थिक नुकसान के साथ साथ यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी और इससे ST की छवि धूमिल हुई। महामंडल ने कहा कि प्रतीक्षा सूची में अन्य उम्मीदवारों को जल्द ही महामंडल में सेवा करने का मौका दिया जाएगा, इसलिए ST प्रशासन को सूचित किया गया है। मुंबई से खबरदार की रिपोर्ट। सोलापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव में भाजपा के दो मंत्री आमने सामने। सोलापुर जिले के बाजार समिति के चुनाव में राज्य के सहकार मंत्री सुभाष देशमुख और पालक मंत्री विजय कुमार देशमुख आमने सामने आ गए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि सोलापुर बाजार समिति में भाजपा और कांग्रेस के बीच जोर आजमाइश होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। जिले के पालक मंत्री विजय कुमार देशमुख ने कांग्रेस गुट के सिद्धेश्वर पैनल के साथ मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी दिखाई है। इस पैनल में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के उम्मीदवार भी हैं, जबकि उनके खिलाफ सहकार मंत्री सुभाष देशमुख का पैनल मैदान में है। ते मुद्दा पुढे केला हे बरोबर आहे, पण ज्या शेतकऱ्यांना भाव नाही कुठलेही, नुसतं मत देऊन काय, तोंडाला पावडर लिहून काय होत नाही, पोटाला द्यावं लागतं, ते सरस द्यावं लागतं। मग पोटासाठी काय केलंय, कुठल्या एकही भाव नाही आहे आपल्या शेतकरी जे पिकवलेलं आहे, कुठलंही पीक घ्या आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नाही आहे। आणि सगळ्यात अडचणी कुणाला आहेत तर आता ह्या राज्यामध्ये सगळ्यात अडचणी शेतकरी आहे आणि या सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत आलेले। भाजपा के जिला अध्यक्ष या अपनी पार्टी के सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। या ठिकाणी नेत्या विरुद्ध कार्यकर्ता आणि भ्रष्टाचार विरुद्ध शेतकरी हे इलेक्शन आम्ही लढतोय। त्यांनीच स्वतः सांगितले की या ठिकाणी कोणत्या पक्षाचा संबंध नाही असं मी त्यांच्या मुलाखतीतून ऐकलं, परंतु कोण माणसं कुठं असतात त्याच्या विचारधारेवर पक्ष चालतो। आणि आमचं पॅनल हे भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराचं पॅनल आहे आणि ते शेतकऱ्याच्या विचाराचं पॅनल आहे। या निमित्ताने मी आपल्याला एवढं सांगू शकतो आणि समोर कोण आहे काय म्हणण्यापेक्षा आमच्या समोर
एकमेव शेतकरी दिसतो आणि त्याचं हित आमच्या डोळ्यासमोर दिसतं, म्हणून आम्ही हे इलेक्शन लढवतो। भाजपा के जिलाध्यक्ष शाहजी पवार ने पालकमंत्री विजय कुमार देशमुख को अपना नेता बताते हुए कहा कि यह चुनावी मामला किसानों से संबंधित है, उनकी समस्याओं का समाधान जरूरी है, इसलिए हमने चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। सोलापुर से शाहजहान अख्तार, खबरदार। आर्थिक तंगी से जूझ रहे होनहार छात्रों की मदद करेंगे गणपति मंडल। राज्य में अक्सर पैसों की तंगी के कारण 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों को उनका पसंदीदा विषय लेने से वंचित रहना पड़ता है। इसके लिए चैरिटी कमिश्नर शिव कुमार दीघे ने गणपति मंडलों को ऐसे छात्रों की मदद करने का आदेश दिया है। चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि 10वीं और 12वीं में 85% से अधिक अंक लाने वाले गरीब विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई में दिक्कत ना आए, इसके लिए राज्य के सभी गणपति मंडलों को उन्हें आर्थिक मदद देने को कहा गया है। इस बैठक में 10 से अधिक मंडल के लोग शामिल थे और सभी ने फैसले का स्वागत किया। मुंबई से खबरदार की रिपोर्ट। बाबलेवाड़ी जिला परिषद स्कूल ने मनाया योग दिवस। 21 जून को भारत समेत करीब 177 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शिकरापुर बावलेवाड़ी जिला परिषद स्कूल में छात्रों ने योगा किया। बावलेवाड़ी का जिला परिषद स्कूल हमेशा से अपने स्कूल में अपने अलग अलग कार्यक्रम करने के लिए सुर्खियों में बना रहता है। आज स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 300 से भी ज़्यादा छात्रों ने योग दिवस में हिस्सा लिया। बच्चों को योग की प्रशिक्षण दे रही प्रशिक्षिका रुचि सिंह ने कहा कि योग की वजह से बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। आज दर वेळेस आम्ही शाळेत शनिवारचा योगा करतो आणि घरी गेलो पण करा सर सांगतात घरी करायला, मग उठलं आम्ही योगा करतो। हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी नर्व्स कोशिकाएं होती हैं जो योगा करने से खुलती हैं। ओम उच्चारण से हमारा माइंड और हमारी एनर्जी बढ़ती है। ध्यान लगाने के लिए ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें एक अंदर से पीसफुली महसूस होता है। अगर ये बच्चे रोज करेंगे तो इनको अपनी एजुकेशन में, अपने कैरियर में, उसमें सब में बहुत हेल्प होगा। आज संपूर्ण भारत नवे संपूर्ण जगह मध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला जात आहे। अतिशय उत्साहाचं वातावरण आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे। आज आमच्या आंतरराष्ट्रीय ओझेशाळा वाबळेवाडीमध्येही योग दिनाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। त्यामध्ये सर्वप्रथम विद्यार्थ्या सकाळी आपण विद्यार्थ्यांना योग प्रात्यक्षिक घेणार आहोत, ते आपण बघतो आहोत की आता ते चालू आहेत। ओझेस स्कूल वाबळेवाडी या ठिकाणी आत्ता योग दिवस साजरा होत आहे। यामध्ये 350 मुलांनी भाग घेतलेला आहे। यामध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे DOT रुची सिंग या पुणे खराडी येथून आले योग घेण्यासाठी आलेले आहेत। इस साल चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल के योग दिवस पर योग के अलावा शांति का संदेश दिया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर पीस रखी गई है। शिकरापुर बावलेवाड़ी से सुनील भोंगल, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।